हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और न्यू मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने के लिए आ गई हूँ। और आज का मेकअप ट्यूटोरियल है विंटर मेकअप के लिए। तो इस पूरे मेकअप को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि इस मेकअप में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप बताने वाली हूँ। और ये मेकअप काफ़ी फ्लॉलेस और अच्छा होने वाला है, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है ना, ये स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और मेकअप हो जाता है क्रैक। तो हम इस मेकअप को नहीं होने देंगे क्रैक और अच्छा सा मेकअप ट्यूटोरियल बनाएंगे। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं कर देती हूँ मेरे हेयर्स को टाई, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब करते हैं ना। कोई भी क्लचर लगा दें ताकि ये जो हमारे बाल हैं वो हमको डिस्टर्ब ना करें। मैंने मेरी स्किन कर दी है अच्छे से साफ, और मैंने मेरा जो CTM था वो कर लिया था। और लिप केयर मुझे लगानी है अभी, तो अभी मैं लगा रही हूँ शुगर की लिप केयर, क्योंकि मेरे जब तक यानी पूरे फेस का मेकअप होता है तब तक मेरे लिप्स अच्छे से नरिश हो जाए। हालांकि मैं रेगुलर लिप केयर लगाती हूँ, उससे होंठों की हालत थोड़ी अच्छी है। एंड अभी हम करेंगे थोड़ा सा फेस केयर मैंने कर लिया है, पर अपना फेस विंटर्स में हो जाता है काफ़ी ड्राई। तो ड्राइनेस के लिए हमारे लिए क्या होता है, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लग गया है, हमको 30 सेकंड के लिए वेट करना है मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद, ताकि हमारी जो स्किन है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। और इसके बाद हमको यूज़ करना है प्राइमर। प्राइमर में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का, ये जेल बेस्ड प्राइमर है। ओपन पोर्स के ऊपर अच्छे से लगा लें। प्राइमर लग चुका है, अब हम हमारे फेस पर लगाएंगे सेटिंग स्प्रे, ताकि जो भी हम मेकअप करें वो अच्छे से सेट रहे। वेट करें और पैलेट से अच्छे से फेस को हवा करें। पैलेट कब काम आने वाली है। और अब मैं मेरे फेस पर लगाने वाली हूँ इल्यूमिनेटर, क्योंकि मुझे थोड़ा ग्लॉसी मेकअप अच्छा लगता है इसीलिए। और इल्यूमिनेटर मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का, और इल्यूमिनेटर से हमारा फेस बहुत ही अच्छा ग्लोसी लगेगा, नेचुरल ग्लोसी लगेगा, आर्टिफिशियल ग्लोसी नहीं लगेगा, क्योंकि इल्यूमिनेटर फाउंडेशन के पहले लगता है इसलिए। इल्यूमिनेटर लगने के बाद आ जाती है फाउंडेशन की बारी। तो फाउंडेशन हम यूज़ कर रहे हैं शुगर का न्यू लॉन्च प्रोडक्ट रेज ऑफ कवरेज फाउंडेशन। 24 आवर्स स्टे है इसका। इसको हम बहुत ही कम अमाउंट में लगाएंगे, हमको ज़्यादा एकदम हेवी लुक नहीं करना है, सिंपल सॉफ्ट सटल सा मेकअप करना है इसके लिए। तो मैं ब्लेंडर से ही डायरेक्ट मेरे फेस पर डैप डैप करके अप्लाई करूँगी। अब मैं लगा रही हूँ अंडर आई कंसीलर। कंसीलर में यूज़ कर रही हूँ शुगर का। थोड़ा सा लिड्स पर भी लगा दूंगी, और मेरे जो हाईलाइट एरिया है बेस हो गया डन। अब इस पूरे बेस को अच्छे से सेट करने के लिए हम यूज करेंगे शुगर का टिंटेड पाउडर। अब जो मेरे फेस पर एक्स्ट्रा पाउडर लग गया है उसको मैं अच्छे से डस्ट ऑफ कर दूंगी। और अब आ जाती है आईब्रो फिल करने की बारी। तो आईब्रो फिल करने के लिए मैं शुगर का आईब्रो डिफाइनर यूज कर रही हूँ, और इसके पीछे जस्ट स्पूली दे रखी है, स्पूली से अच्छे से कॉम कर दूंगी। अब हम आ जाते हैं आईज के ऊपर। आईज का हम आई मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं, और आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आई मेकअप कौन सी पैलेट से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं शुगर की वंडर वुमन सीरीज़ की पैलेट से स्टार्ट कर रही हूँ। इसके अंदर काफ़ी अच्छे ग्लिटरी शेड्स हैं। तो मैं आई मेकअप मेरा स्टार्ट करती हूँ। आई मेकअप मैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और सटल सा रखूँगी, एकदम पिंकिश टाइप का, क्योंकि थोड़ा हमारा लुक है वो सॉफ्ट है इसलिए। लाइटली थोड़े से मैंने स्पार्कल्स टाइप का करा है। आई मेकअप हमारा डन हो गया है। अब हम आई मेकअप में कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं, सिर्फ अंडर आई थोड़ा सा इसके अंदर ही जो डार्क शेड है वो लगाकर थोड़ा सा मैं स्मज कर दूंगी, क्योंकि ना मुझे काजल लगानी है और ना ही मुझे आई लाइनर लगाना है। एकदम सिंपल सॉफ्ट सटल सा मेकअप करना है उस हिसाब से।
अब मैं मस्करा लगा दूंगी और मस्करा मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ बुर्जोइस का। और अब आ जाती है फेस की बारी। आईज हमारी हो गई है कंप्लीट और अब मैं फेस का अच्छे से कॉन्टोर कर देती हूँ क्योंकि डबल चिन, चबी चिक्स सब कुछ छुपाना पड़ता है ना। तो मैं कॉन्टोर करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ फॉरएवर 52 की कॉन्टोर पैलेट। अब हो गया ना हमारा फेस एकदम स्लिम। और अब मैं मेरे फेस पर ब्लशर अप्लाई करने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ क्यों ना लिपस्टिक का ही ब्लश लगाया जाए क्योंकि ये लिपस्टिक का शेड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर ऐसे रख देते हैं, पर इसके साथ काम हमको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ये है मैट लिपस्टिक। इसे और ये लिपस्टिक का शेड मुझे इतना अच्छा लगा था तो क्यों ना लिपस्टिक भी इसी से लगाई जाए। थोड़ा सा लिप्स को कर देते हैं फिर से नरिश, थोड़ा सा वाइट भी कर देते हैं और फिर हमारी लिपस्टिक लगाने से पहले क्यों ना हम एक बार फेस को हाईलाइट कर दें। हाईलाइटर के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ शुगर का हाईलाइटर। और अब मैं लगा दूंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक में यूज़ कर रही हूँ शुगर की वंडर वुमन। मेकअप हमारा ऑलमोस्ट डन होने आ गया है। सिर्फ अब इस मेकअप को अच्छे सेट करने के लिए हम सेटिंग स्प्रे लगा देंगे, वो भी मैं शुगर का यूज़ कर रही हूँ। और लास्ट में आईलैशेस लगा देंगे। ये है हमारा फाइनल मेकअप। अब मैं दिखाऊंगी आपको हमारा फाइनल लुक। ये है हमारा फाइनल लुक, आप देख सकते हो। ये मेरे विंटर के अकॉर्डिंग इसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप मैंने मेकअप के स्टेप्स बताई हैं, वो ये आपको विंटर्स में काफ़ी हेल्प करने वाला है और आपका मेकअप इतना ही ज़्यादा फ्लॉलेस और नीट एंड क्लीन लगने वाला है। तो उसी यानी कि पूरी वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर लास्ट वाला पार्ट देख रहे हो, पूरी वीडियो देखो, काफ़ी मज़ा भी आएगा प्लस आपके मेकअप में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर ये मेकअप अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई मेकअप वीडियो। बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी अच्छे से ट्यूटोरियल में। ओके बाय।